नमस्कार, खबर सरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत 15 सेकंड में खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, व्हाइट हाउस में मेरा स्वागत, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात। यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को पीएम ने भेंट किया ग्रीन डायमंड का तोहफा। बाइडेन को पंजाब का घी और सोने का सिक्का किया भेंट। कल पटना में विपक्षी पार्टियों का महाजुटान। बैठक के लिए पटना पहुंचे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और महबूबा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 9 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में कई लोग घायल। बीसीसीआई ने मंगवाया मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के लिए आवेदन। नॉर्थ जोन से आए नेशनल सेलेक्टर की तलाश। चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। नॉर्थ जोन से चेतन शर्मा की जगह सहवाग, बेस्ट विकल्प। बीसीसीआई को नॉर्थ जोन से एक नेशनल सेलेक्टर की तलाश। सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने जीत के साथ की शुरुआत। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-0 से दी करारी मात। बबीता जी ने किए पशुपतिनाथ के दर्शन। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। तारक मेहता उल्टा चश्मा फेम है बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता। दोस्त की बर्थडे पार्टी में एक साथ पहुंचे पलक और इब्राहिम। ब्लैक आउटफिट में की ट्विनिंग। अफेयर की खबरों को मिली हवा। बालाघाट में बीजेपी का मेगा शो गौरव यात्रा का हुआ आगाज। सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। खराब मौसम की वजह से नहीं उतर सका शाह का विमान। भोपाल में नहीं होगा पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। पीएम ने नहीं दी रोड शो के लिए अनुमति। 27 जून को एमपी दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कल जब पूरी दुनिया योगमय हुई तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता योग करता हुआ नजर नहीं आया। दमोह की युवती बेंगलुरु में लव जिहाद का शिकार। उमर फारूक ने राजा बनकर दिया धोखा। पड़ताल में पुलिस जुटी। अनूपपुर में कांग्रेस में भड़की कलह की आग। नेता प्रतिपक्ष के सामने कांग्रेस विधायक के विरोध में नारेबाजी। कार्यकर्ताओं का हंगामा। भोपाल में कलयुगी बेटी की हैवानियत। प्रॉपर्टी के लिए मां बाप को बनाया बंधक। लाठी डंडों से पीटा। इंदौर में इंजीनियर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। घर के बाहर रहने को पीड़िता मजबूर। पुलिस से की शिकायत। जबलपुर में नारियल के बीच गांजे की हो रही थी तस्करी। 136 किलो गांजा जब्त। पकड़े गए गांजे की कीमत 27 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस में कांग्रेस संगठन को लेकर हुई बैठक। बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी मीटिंग। बैठक में कुमारी सैलजा सीएम भूपेश बघेल रहे मौजूद। कल से रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग पर होगा मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से चुनावी शंखनाद। पद्मश्री उषा बावले से की मुलाकात। अमित शाह से मिली पद्मश्री उषा बावले का राजनीति को लेकर नहीं हुई बात। अमित शाह ने चुखा छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सुलजा ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं, अब बीजेपी पर नहीं करती जनता भरोसा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान। प्रदेश में बीजेपी नेताओं की हो रही टारगेट किलिंग। कहा ढहने वाला है कांग्रेस का किला। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी। बलरामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से बच्ची और महिला की मौत।